If x is equal to 1 plus log bc to the base a, y is equal to 1 plus log ac to the base b, and z is equal to 1 plus log ab to the base c, then prove that xyz is equal to xy plus yz plus zx. तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है x is equal to what? X is equal to 1 plus log of bc to the base a. Then y is equal to what? 1 plus log of ac to the base b. And z is equal to 1 plus log of ab to the base c. Now, simply अगर हम देखेंगे यहाँ पे, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू व्हाट? एक्स वाई एंड जेड. ठीक है, तो अगेन अगर हम देखेंगे यहाँ पे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरी दोनों साइड को मैं एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड, वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड. तो एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड क्या होता है, इट इज इक्वल टू वन अपॉन जेड प्लस वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड क्या होता है, इट इज वन अपॉन एक्स प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, इट इज वन अपॉन वाई एंड इक्वल टू वन. तो इनडायरेक्टली हमें प्रूफ करना है क्या, कि वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड का सम क्या है, इक्वल टू वन है. अब हमें सिंपली अगर हम देखेंगे तो हमें क्या गिवन है, जेड की वैल्यू क्या है, या फिर इसे मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड. तो x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसे पहले मैं इसी ऑर्डर में लिख देता हूँ ताकि जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो किसी को कंफ्यूजन नहीं हो. ओके, तो x इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस लॉग bc टू द बेस a, लगा 1 अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ bc टू द बेस a. ओके, फिर आएगा प्लस 1 अपॉन क्या जाएगा, लॉग ऑफ y में क्या जाएगा, पहले 1 प्लस b आ गया, ठीक है ना, तो 1 प्लस लॉग ऑफ ac टू द बेस b, 1 प्लस लॉग ऑफ ac टू द बेस b, फिर आएगा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ ab टू द बेस c. हमें प्रूफ करना है इक्वल टू 1 है. ठीक है, नाउ अगर हम क्लियरली देखेंगे तो a को हम क्या लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे log a टू द बेस a जाएगा 1 अपॉन log of a टू द बेस a. मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर भी बेस a था, फिर आएगा प्लस log of bc टू द बेस a, फिर आ जाएगा सिंपली यहां पे मैं क्या लिखूंगा 1 को, log of b टू द बेस b लिख दूंगा, तो आएगा 1 अपॉन log of b टू द बेस b प्लस log of ac टू द बेस b, फिर z के लिए भी पुट कर दूंगा, देखा 1 अपॉन 1 को यहां क्या लिखूंगा मैं, log of c टू द बेस c प्लस log of ab टू द बेस c. अब log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, log a प्लस log b क्या होता है, अगर बेस सेम हो तो log a इनटू b हो जाता है. ठीक है, तो अगेन हम देखेंगे क्या जाएगा, 1 अपॉन log of, ठीक है, जो जाएगा log of बेस में आ जाएगा a और तीनों टर्म मल्टीप्लाई जाएंगे तो जाएगा a b c, फिर आ जाएगा प्लस. ठीक है, हम देखेंगे अब क्या हो गया यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है, log of, सॉरी 1 अपॉन में क्या लिखा है, इसमें भी सेम log का बेस सेम है तो नंबर मल्टीप्लाई जाएंगे, तो ये क्या जाएगा, log of a b c टू द बेस c हो जाएगा. ठीक है, एंड ये हो जाएगा 1 अपॉन log of a b c टू द बेस c, सॉरी यहाँ पे बेस b होगा, बाय मिस्टेक b लिख गया. ओके, तो ये हमारा ऐसे ही कन्वर्ट हो गया. अब हमें एक log की और प्रॉपर्टी पता होती है, वो क्या होती है, कि जैसे जो हमारा होता है log of x टू द बेस a, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन log of a टू द बेस x भी लिख सकते हैं. सिमिलरली जैसे अगर हमारा log of a टू द बेस x होता है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, log of x टू द बेस a लिख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन log a b c टू द बेस है, तो इसे हम 1 अपॉन फॉर्म करके एंटी में क्या लिख सकते हैं, जो जाएगा log of a b c टू द बेस a हो जाएगा. ठीक है, प्लस, है ना, सॉरी उल्टा लिख गया यहाँ पे मैंने, बेस क्या होगा हमारा, चेंज हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा क्या,
log of a to the base क्या हो जाएगा log of a और बेस हो जाएगा हमारा ए बी सी, ठीक है। फिर प्लस में सिंपली यहां भी चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा log of b और बेस हो जाएगा ए बी सी, और यहां भी क्या हो जाएगा नंबर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो जाएगा log of c और बेस हो जाएगा ए बी सी। अगेन क्या होगा तीनों बेस सेम है तो नंबर क्या होंगे log a प्लस log b प्लस log c को क्या लिख सकते हैं हम log a इंटू बी इंटू सी, तो बेस क्या है हमारा सिंपल स्टिल अभी भी a इंटू बी इंटू सी। अब क्या होगा तीनों नंबर में मल्टीप्लाई जाएंगे तो a इंटू बी इंटू सी, तो जाएगा a इंटू बी इंटू सी, और ये क्या हो गया हमारी वैल्यू हमें पता है log में अगर क्या होते हैं बेस और नंबर दोनों सेम सेम होते हैं तो वैल्यू किसके इक्वल होती है वन, तो यहाँ बेस क्या है एबीसी और क्या है नंबर भी है एबीसी, तो वैल्यू होगा इक्वल टू वन। और अगर हम देखेंगे हम यही प्रूफ करना था कि किसके इक्वल है वन के इक्वल है, सो दिस इज नाउ प्रूव्ड, तो हम यहाँ क्लियरली बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।